कोविड रो तृतीय लहर आसिले भी पिलांक पई हेबनी से परी क्षतिकारक ए बाबत रे कोनोसी गुजब रे विश्वास न करबा को परामर्श परामर्श देची इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स तृतीय लहर रे छोटो पिला बेसी प्रभावित हेबे बोली कहितिले स्वास्थ्य विशेषज्ञ कोविड महामारी रो जे कोनोसी लहर आसिले भी पिला मानंकु गुरुतर भावरे संक्रमित बा प्रभावित करिवो नाही बोली प्रकाश करिछि इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स बा आईएपी आगो को कोविड रो तृतीय लहर आसिबो एवं पिला माने बेसी संख्या रे संक्रमित हेबे बा सेमानक प्रति तृतीय लहर बेसी भयंकर हेबो बोली मीडिया रे प्रचारित होतिबा किछि स्वास्थ्य विशेषज्ञक मत भित्तिहीन बोली कह जायछि ए बाबत रे निजर वेबसाइट रे सविशेष विवरणी प्रकाश करिछि इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स जहां छोटो पिलांको अभिभावकंक पई एक आश्वासनर कारण पलटिछि सारा देश रे 32,000 रु अधिक शिशु रोग विशेषज्ञ एही संघरे सभ्य बा प्रतिनिधि रहिछन्ति एही संघ कहिछि जे जदियो शिशु बा पिला माने वयस्कंक भली समान भावरे संक्रमणशील मात्र सेमानक ठारे देखा जाउतिबा 90% संक्रमण हेउछि सामान्य किंबा बिना लक्षण युक्त प्रथम और द्वितीय कोविड लहर अपेक्षा तृतीय लहर निश्चय आसीब एवं एतिरे पिला माने क्षतिग्रस्त हेबे बोली किछि दिन तळे देशर किछि वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ समस्तंकु सतर्क कराइबा परे एबे निजो वेबसाइट रे एहाकु नै एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करिछि इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स कोविड रो जे कोनोसी लहर बा तरंग वयस्कंक परि पिलांक पई से परि क्षतिकारक हेबो नै तेणु से बाबद रे भयभीत हेबा उचित नुहे बोली प्रकाश करिछि संघ मुंबई रो शिशु रोग विशेषज्ञ तथा आईएपी रो पूर्वतन सभापति बकुल जयंत पारेख कहिछन्ति तृतीय लहर पिलामानंकु बेसी संकट रे पकाइबो बोली जे भूल वार्ता एवं भूल धारणा सृष्टि होईछि संघ ताकु खंडन करूछि पूर्वरु एनेई थिबा वैज्ञानिक प्रमाण को आधार करी संघ ई परामर्श बा एडवाइजरी जारी करिछि बोली से कहिछन्ति भारतरे प्रथम एवं द्वितीय लहर समय रे संग्रहित क्लिनिकल डाटा को आधार करी संघ कहिछि पिला मानक ठारे हेउतिबा कोविड संक्रमण आईसीयू एडमिशन आवश्यक करे नै तेनो अधिकांश पिला तृतीय लहर रे भयंकर भाबरे आक्रांत हेबे बोली मत पछरे कोनोसी प्रमाण नै अभिभावक माने पिलांक संक्रमण नै चिंतित न होई बरं कोविड समय रे सेमानक मानसिक स्वास्थ्य बाबद रे अधिक जत्नशील हेबाकु परामर्श देछि इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस्टी।